नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार फ्रॉम हरियाणा मोटर्स मालका पानीपत। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है आईसर E483 इंजन CNG कैसे रिपेयर करें। ये BS4 इंजन है। ये इंजन अब तक कंप्लीट बहुत कम खुले हैं, ज़्यादा इंजन नहीं खुले हैं, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है ताकि जो मेरे भाई हैं उनको थोड़ा दिक्कत ना हो काम करने में। ये हमने इस गाड़ी की जो क्रैंक फिट की है, क्रैंक हमारी जो है वो डीजल इंजन की तरह ही फिट होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो बराबर में घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो मैं आने वाली ऐसी नॉलेजेबल जो वीडियो बनाऊँगा वो आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। तो आज शुरू करते हैं वीडियो। फिलहाल अभी क्रैंक शाफ्ट हमने लगभग फिट कर ली है। ये हमारा जो इंजन का फ्रंट साइड है जहाँ हमारा जो टाइमिंग फिट होता है। क्रैंक शाफ्ट को फिट करके उसमें एक अच्छा जैसे कंपनी के द्वारा प्रॉपर टॉर्क देना है। किसी भी बोल्ट को टाइट करना ना तो ज़्यादा करना है ना कम करना है, एक टॉर्क रेंच से टाइट करना है। अगर ज़्यादा टाइट होगा तब भी दिक्कत होगी, कम होगा तो वो खुल कर कहीं टूट फूट का कारण बनेगा। इसलिए हमने पूरा कंप्लीट कोई भी नट बोल्ट इंजन के अंदर या कहीं भी हम घसेंगे तो उसे पूरे टॉर्क के साथ टाइट करें। और एक सबसे बड़ा आइसर के अंदर ध्यान रखना है, हमने कोई भी पार्ट्स है लोकल यूज, लोकल जो कंपनी का है वो यूज़ नहीं करना है, खासकर इंजन के अंदर। इंजन के अंदर हमने सारा जेनुअन पार्ट यूज करना है आइसर का। और ये देखिए, हमने इस गाड़ी की जो पैकिंग किट मंगाई है, कंप्लीट पैकिंग किट होती है इसके अंदर, ए टू जेड पैकिंग किट इसके अंदर लगती है। ये देखिए, मैंने इसके जो हैं रबर रिंग पैकिंग वगैरह सभी इसके अंदर थे कंप्लीट इंजन के। ये हमारा जो सिलेंडर हेड गैस्केट है। और मैं अभी देखिए आपको बारी बारी करके सारे पुर्जों के नाम हैं जो दिखाऊंगा। देखिए, ये हमारा ऑयल फिल्टर था, ये हमारा देखिए पिस्टन की असेंबली है, मतलब पिस्टन कंप्लीट आता है इसके अंदर विद गजन पिन। ये हमारा है, ये हमारे इंजन की वाल गाइड का सेट है जिसमें वाल गाइड सीट कंप्लीट सेट आता है। इंजन का सामान हमने सारा ही जेनुअन लेना है। इसमें हमने इस गाड़ी में ऑयल पंप भी नया बदला है, कनेक्टिंग राड भी दो नई चेंज की हैं। कनेक्टिंग राड ये हमारी है, ऑयल पंप, ऑयल फिल्टर, ये क्रैंक की जो शाफ्ट की पुली है, ये हमारे मैन सेट हैं, मैन एंड बिगन सेट। लगभग टोटली हमने ये है अपना क्रैंक शाफ्ट की जो पुली है जिस पर टाइमिंग मार्क होते हैं, वो भी इसकी कट गई थी, ख़राब हो गई थी। इंजन की सीले भी नहीं चेंज की हैं। इंजन की सीले तो मैंने लगभग ही चेंज करनी चाहिए, कभी हमने पुरानी सीलों का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि रबड़ है, पता नहीं दोबारा काम करे या ना करे क्योंकि पहले ज़्यादा चल रही हैं। अगर नई डल रही है तो बात अलग है, नहीं तो मतलब आपको ये चेंज करनी पड़ेगी। देखिए, ये हमारे पिस्टन के रिंग हैं, ये CNG गाड़ी की स्पेशल रिंग है। देखिए, ये 5 पीस में है, वैसे तो और गाड़ियों के तो 3 पीस में होते हैं। ये CNG पहले हमारे आयल उठाती थी गाड़ियाँ, इसलिए कंपनी ने इनमें चेंज किया है, ये रिंग देने लगी है CNG जैसे पेट्रोल गाड़ी के अंदर होते हैं, अब CNG गाड़ी के अंदर भी ऐसे रिंग दिए हैं। तो इनको डालना भी आसान है और सेट करना भी आसान है, ये घूमने की शिकायत कम हो सकती है। देखिए, हमने ये स्पेशल आइसर का सारा सामान जेन्युइन मंगाया है और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी के जो पिस्टन है। ये हमारा CNG गाड़ी का पिस्टन है, हमारा डीजल गाड़ी के अंदर जो है इसमें पिन बनी होती है
नहीं तो ये कम्बस्टन चैम्बर इतना बड़ा नहीं होता, ये कम्बस्टन चैम्बर छोटा होता है। ये हमारा पिस्टन है। इस गाड़ी में ऊषा कंपनी का सामान आया सारा, ऊषा के रिंग, ऊषा के जो भी है रिंग, पिस्टन, सिलेंडर लाइनर हमने जो हैं इसके पावर टाइगर के लगाए हैं। फिनिश देखिए, क्रैंक शाफ्ट हमारी बिल्कुल फ्री है। क्रैंक शाफ्ट क्या किसी भी पुर्जे को लगा के हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चेक नहीं करोगे तो हो सकता है वो टाइट हो या कहीं लूज हो, तो इसलिए किसी भी चीज़ को लगाने से पहले चेक करें। ये हमारी केम शाफ्ट है। ये जो आपको निशान दिख रहा है ये केम सेंसर के लिए है। अगर हम BS3 की लगा देंगे या सिंपल गाड़ी की लगा देंगे तो हमारा क्रैंक सेंसर जो वैसे दिखने में तो सेम है केम, लेकिन इसके अंदर जो ये फ़र्क था ये केम सेंसर वाला है। इसका ध्यान दें, ये हमारा जो इंजन टाइमिंग है इसके अंदर पंप का टाइमिंग नहीं होता, ये BS4 के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर का टाइमिंग नहीं होता, इसलिए हमारा दो गेयरों का ही टाइमिंग होता है, एक और दो। इसलिए देखिए, ये हमने अब सिलेंडर हेड को खोल लिया है, सिलेंडर हेड को रिपेयर कर रहे हैं। सिलेंडर हेड भी सेम टू सेम डीजल की तरह होता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसमें स्पार्क प्लग लगते हैं और डीजल हेड की तरह ये हमारा ज़्यादा मतलब ख़राब भी ज़्यादा होता है सिलेंडर हेड। ये हमारी जो क्रैंक शाफ्ट की पुड़ी है इस पे टाइमिंग मार्क दिए होते हैं ऊपर नीचे की तरफ। देखिए एक तरफ 04 और एक तरफ 03, ये हमारा नया लगाया है। इसकी जो है ऑयल लीकेज होने लगता है। ये हमारी टाइमिंग प्लेट हमने फिट कर ली है इंजन की, गियर लगा के, पैकिंग लगा के, अच्छी तरह से एना बोल्ट लगा के इसे फिट करें। अगर आप जरा ही भी गलती करते हो तो इससे लीकेज होगी। ये हमारा ऑयल पंप है। ऑयल पंप को हम इंजन कंप्लीट करते हुए ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है कि मतलब ऑयल पंप पर हमारा प्रेशर बढ़िया बना रहा है ऑयल पंप। तो इस गाड़ी में ऑयल पंप की एक क्रैंक जाम हो गई चलते चलते इस गाड़ी का, इसलिए हमने ऑयल पंप नया चेंज कर दिया। ये हमारा जो फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील का जो पायलट बैरिंग है उसको ज़रूर चेक करें, क्योंकि गियर आवाज़ कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को लगाएंगे तो आप उसे अच्छी तरह से चेक करके लगाएं, मतलब किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, कहने का मतलब ये है। अगर आप चेक करके अच्छी तरह से किसी भी पुर्जे को लगाओगे तो हमारा जो पुर्जा है वो मतलब डाउट नहीं होगा उस पर कि या उसकी कमी है, हो सकती है या नहीं हो सकती, हमें कंफर्म होना चाहिए कि हमने ये काम किया तो इसके अंदर ये कमी तो हो ही नहीं सकती। ठीक है जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो हमारा है ऑयल पंप और इसके ऊपर ये लगा हुआ है ऑयल कूलर। ये आइशर गाड़ी के अंदर ऑयल कूलर और ऑयल पंप साथ में लगे होते हैं। इसके अंदर हमारा जो है तेल और पानी, इंजन ऑयल और पानी दोनों इकट्ठे चलते हैं। ठीक है जी, ये हमने इसका जो करेंगे शाफ्ट की पुली, वाटर पंप, ये सभी हमने लगा लिए हैं। ये पीछे से हमने प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, फ्लाई व्हील वगैरह हमने लगा लिया। BS4 गाड़ी का जो फ्लाई व्हील है वो अलग होता है, इस पे दाते बने होते हैं, 58 दाते होते हैं, दो कटे हुए होते हैं, 60 दाते होते हैं वैसे तो, पर लेकिन 58 होते हैं इस पे। ये देखिए, मैं हम इसके रिंग पिस्टन फिट कर रहे हैं, बाकी तो हमने फिट कर लिया है। ये जो हमारा है ये 4 नंबर बचा खाली, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। रिंगों को डालते समय ध्यान रखना है कि किसी भी रिंग का मुंह एक तरफ ना हो, वैसे तो किसी भी रिंग का मुंह एक तरफ ना हो या दो रिंगों का मुंह एक तरफ ना हो, इसमें होते हैं चार, चारों तरफ हमने इसके मुंह करने हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपका रिंग घूम गया तो हमारी गाड़ी बैक प्रेशर भी होगी और सफ़ेद धुआं देगी। पेट्रोल गाड़ी के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये सफ़ेद धुआं देती है, CNG हो पेट्रोल हो। इनको रिंगों को डालते समय हमें चाहे हमारा 1 घंटा ख़राब हो जाए, रिंगों को पूरी सावधानी के साथ फिट करना, सफाई के साथ फिट करना, तभी जाके हमारे ये सेट होंगे। देखिए ये थोड़े रिंग पतले हैं ऑयल रिंग, इसलिए हमें इसे बिल्कुल सावधानी के साथ ठोकना है। अगर सावधानी हटी
तो दुर्घटना घटी, यानी कि रिंग खराब भी हो सकता है। हमने रिंग फिट कर लिया है और अब देखिए कनेक्टिंग राड को फिट कर रहे हैं। कनेक्टिंग राड हमारी है जो बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो पिस्टन को थोड़ा पीछे करके उसे सेंटर में करें जैसे हम कर रहे हैं। सेंटर में होने के बाद हमारा जो है पिस्टन जो मैन बैरिंग है जो ओबिगन बैरिंग है उसमें प्ले हो जाती है। अगर साइड में होगा तो साइड मारने लगता है पिस्टन भी और ये भी। आयल ज़रूर लगाएं जी, कन्फर्मेशन ज़रूरी है। ये हमने देखी इसमें दो कनेक्टिंग राड नई डाली है, चारों पिस्टन नए डाले हैं, मैन बिगन और जो हमारी जो भी सिस्टम है सभी हमने कंप्लीट इस इंजन के अंदर नया लगाया, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। जब 60,000 रुपये लगाएंगे 60,000 तो रिस्क नहीं लेना है, कस्टमर आपको बोलेगा अगर कोई दिक्कत होगी तो। इसलिए जेन्युइन सामान यूज किए और ठंडे दिमाग के साथ इंजन को रिपेयर करिए, मतलब आपकी तरफ से कोई दिक्कत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। देखिए पले वगैरह हमने बिल्कुल रेडी करके चेक करके इसमें तभी फिट करना है। अब हम इस गाड़ी का जो लगाएंगे ये क्या बोलते हैं सक्शन जाली बोलते हैं इसको, जो चैम्बर से तेल को खींचती है इंजन ऑयल की पंप की तरफ, अगर ये लीक होगी तो हमारा ऑयल पंप काम छोड़ जाएगा। इसलिए ये भी एक विशेष सिस्टम है, शुरुआत यहीं से होगी ठीक है जी। कई बार लीक हो जाती है या थोड़ी बहुत लीक हो जाती है तो हमारा ऑयल पंप पूरा प्रेशर नहीं बना पाता, क्योंकि उसको पूरा ऑयल नहीं बनता, मिलता नीचे से, इसलिए वो पंप भी प्रेशर नहीं बढ़ा पाएगा और हो सकता है बार बार कुछ भी दिक्कत हो जाए, कभी कुछ जाम हो जाए कभी कुछ जाम हो जाए। ये हमने देखी अब इसका ऑयल पंप ऑयल सम्प सम्प बोले तो चैम्बर लगा लो, देसी भाषा में तो आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, वैसे इसको थ्योरिकल भाषा में ऑयल सम्प बोलते हैं। ये हमने इसका टाइट कर लिया है, इसके अंदर पैकिंग भी ज़रूर लगाएं। ये देखिए अब हम इस इंजन का जो टॉप पिस्टन को फिट करने के बाद सिलेंडर रखने से पहले अगर आपने कनेक्टिंग राड नहीं चेंज की है तो उस टाइम पे आपने एक बार टॉप ज़रूर चेक करना पिस्टन का ठीक है जी। अगर आप टॉप नहीं चेक करेंगे तो कई बार छोटी बड़ी कनेक्टिंग राड होती है या पिस्टन हमारा टॉप से ऊपर आ जाता है तो हमारा इंजन परफॉर्मेंस सही नहीं देगा, आवाज़ सही नहीं होगी, कुछ भी सही नहीं होगा। ये हमने सिलेंडर हेड गैस्केट रख के सिलेंडर हेड को लगा लिया है, देखिए सिलेंडर हेड लगा दिया है और अब इसके जो बोल्टों को हम लगा रहे हैं। अगर आप नीचे इंजन फिट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी किसी भी प्रकार की, पूरा इंजन नीचे रिपेयर करेंगे तो सारे बोल्टों को अच्छी तरह से टाइट होंगे और जो काम जहां ऊपर एक बंदा काम कर रहा है वहां हम 3-4 बंदे काम कर सकते हैं। ये जो हमारे लड़के हैं ये लगे पड़े हैं काम में। देखिए सिलेंडर हेड के बोल्ट हमारे पास लगभग 6 से 7 बंदे हैं जो हम दुकान पे काम करते हैं वर्कशॉप में। देखिए ये जो बोल्ट हमने पलटे हैं ये जो मिट्टी लगी होती है ना जिन बोल्टों पे बाहर की तरफ वो पलटे हैं, वो बाहर की तरफ ही रखेंगे और जो है वो अंदर की तरफ रखेंगे। सीएनजी इंजन को बांधने के लिए कोई नया तरीके की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डीजल इंजन बांध रहे हैं तो आप आसानी के साथ इसको रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी ही सावधानी रखनी है। जैसे हमें कनेक्टिंग राड के पिस्टन पिन को फिट करते समय पिस्टन को फिट करते समय और जो बस यही है इसमें मैन, तो इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर का टाइमिंग नहीं है, वायरिंग है इसके अंदर। हाँ वायरिंग को आपको मतलब पूरे ध्यान से खोलना है और पूरे ध्यान से फिट करना है, अगर आपने मिस्टेक की तो हमारी गाड़ी में हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जब आप वायरिंग ढंग से नहीं फिट करोगे। सेंसरों को साफ़ करके लगाएं ठीक है जी, प्लग हैं नए चेंज कीजिए, इग्निशन कोयल को भी साफ़ कर लें, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी सफाई के मामले में अगर कोई डैमेज है या तो उसे अब आप चेक नहीं करोगे तो आपको पता कैसे लगेगा ये ख़राब है ठीक है ना जी। इसलिए आपको हर एक चीज़ को साफ़ सफाई के साथ चेक करके
अच्छी तरह से फिट करना, तो आपके इंजन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बाजू में बेल नोटिफिकेशन उसे ज़रूर प्रेस कर दें। ये देख लीजिए, हमने इसका जो रोकर आर्म, हेड, पुश रॉड फिट कर लिए हैं। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ, टैपेट की वीडियो, टैपेट एडजस्टमेंट की वीडियो मैंने पहले सीएनजी पे बनाई है, वैसे डीजल की तरह ही इसकी टैपेट एडजस्टिंग होती है। ठीक है जी, अगर आपको फिर भी वीडियो चाहिए तो मैंने आइसर सीएनजी BS4 की जो टैपेट की एडजस्टमेंट वीडियो है, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक में, तो आप वहाँ से उसका लिंक को देख लीजिए। ठीक है जी, इस अगर मैं इस पर टैपेट की भी वीडियो बनाता तो ये बहुत लंबा हो जाता और हमने बड़ी दिक्कत आ जाती। देखिए, ये हमने इसका टैपेट एडजस्टमेंट करके टैपेट कवर लगा दिया है, और जो ये फाउंडेशन हम कस रहे हैं, इन पर इग्निशन कोयल लगेगी। ठीक है जी, देखिए अब हमारा इंजन है लगभग कंप्लीट। देखिए जो ये हमारा इंजन है, हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। ये हमारा ऑयल पंप, यहाँ पर हमारा बाईपास फिल्टर लगेगा, केम सेंसर लग गया, ऑयल कूलर लग गया, एग्जास्ट मैनिफोल्ड लग गया। देखिए ये हमने इंजन को लगभग कंप्लीट कर लिया है, नया ऑयल पंप, ऑयल कूलर, बाईपास फिल्टर, इग्निशन, ये केम सेंसर हमारा यहाँ लगता है केम के ऊपर। देखिए ये हमने इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, शाम का टाइम हो गया है, सुबह से शाम हो गई इसके अंदर लगे लगे, तब जाके ये तैयार हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बाजू में बेल नोटिफिकेशन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो आने वाली जो हमारी वीडियो है आप तक ज़रूर पहुंचती रहे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।